Hello guys, CA Tejas Pandit this side. Welcome back to my new video. I am a newly qualified chartered accountant in May 2022 attempt, जो अभी हुआ था. तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने IGT में 67 स्कोर कैसे लाया, मतलब बेसिकली एग्जम्पशन कैसे लाया. तो मैंने जो जो टेक्निक्स यूज किए थे, जैसे मैंने पढ़ाई की थी और जो भी मेरा पैटर्न था, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूंगा. आपका पैटर्न कुछ अलग हो सकता है, आप चाहे किसी और को फॉलो कर रहे होंगे तो यू कैन जस्ट कंपेयर कि आपको इसमें से क्या इनपुट्स मिल रहे हैं और आपको इससे कुछ बेनिफिट होता है तो श्योरली यू कैन फॉलो दैट. अभी भी आपको एग्जाम को 60-70 डेज बाकी है अप्रोक्सीमेटली. तो आप IGT का अगर आपका सेकंड ग्रुप बाकी है तो आप ये वीडियो देख के आपका स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंगली बना सकते हो. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. IGT में मैंने एक नोट्स बनाए मेरे खुद के लिए, वीडियो के लिए, कि मैं क्या क्या बताना चाहूंगा आपको. तो सबसे पहले आपको पता है कि IGT दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कस्टम्स एंड IGT. कस्टम्स में भी FTP आता है 5 मार्क्स का, उसका मैं आपको एंड तक बता दूंगा क्या करना है कैसे नहीं करना है. तो सबसे पहले मैं IGT कवर करता हूँ, GST 70 मार्क्स का. तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप चाहे तो लिख लो जैसे मैं बता रहा हूँ, कि आपको सारे कॉन्सेप्ट एक बार तो पढ़ने ही है. भले ही आप फास्ट ट्रैक बैच लगाओ, आप फुल बैच लगाओ या फिर आप कोई बैच मत लगाओ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट तो पढ़ने ही है. कोई भी कॉन्सेप्ट बुक उठा लो या तो ICA का मटेरियल उठाओ, जो मैं प्रेफर करूंगा भी और नहीं भी, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं कि IGT का क्या बोलते हैं, ICA का मटेरियल बहुत अच्छा है, लेकिन इन द एंड वो ICA का मटेरियल है, उसमें सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में कुछ लिखा नहीं होता है, उनके हिसाब से लिखा होता है. तो कोई भी फैकल्टी जब ट्राई करते हैं तो सिंप्लीफाइड वर्जन में लिखने की पूरी कोशिश करती है. तो भले ही ICI का मटेरियल IGT का कितना भी सिंप्लीफाइड और अच्छा हो, फिर भी मैं प्रेफर करूंगा कि कोई फैकल्टी का ही उठाओ, क्योंकि वो बहुत मेहनत करके उसके बाद वो एक फॉर्मेट में बच्चों को जैसे समझ आए वैसे बनाते हैं. तो कोई भी एक फैकल्टी का, जो भी आप प्रेफर करते हो, जो भी फैकल्टी आपको पसंद है, उसका उनका एक कॉन्सेप्ट बुक उठाओ और पूरा कॉन्सेप्ट एक बार तो आपको रीड करना ही पड़ेगा. अगर आपको IGT में 60 अबव जाना है तो फुल कॉन्सेप्ट वंस यू मस्ट गो थ्रू, बारिंग अ फ्यू कॉन्सेप्ट विच आई विल टेल यू बाद में, कि जिसका आपको सिर्फ क्वेश्चन और आंसर्स करो और एक बार समरी चार्ट बुक जो भी है वो पढ़ लिया तो भी चलेगा. तो सबसे पहला पॉइंट, रीड ऑल द कॉन्सेप्ट्स. कुछ भी हो जाए, अच्छे से IGT को 2-3 दिन का स्लॉट दो पूरा, कि आज फॉर एग्जांपल 15 तारीख है, 15 डेट है, तो 15, 16, 17 मैं पूरा IGT एक बार पढ़ लूंगा. मतलब जो भी कॉन्सेप्ट्स है, जो भी कॉन्सेप्ट्स नहीं है, सारे आई विल गो थ्रू. भले ही मुझे कुछ रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है बाद में देख लूंगा, लेकिन आई विल रीड वंस द होल सब्जेक्ट. इट विल गिव मी अ ओवरऑल आइडिया कि सब्जेक्ट में क्या है, कौन सा चैप्टर बहुत वास्ट है, कौन सा चैप्टर इजीली फिट हो रहा है, कौन सा चैप्टर में डिफिकल्टी आ रही है, एंड वो करते करते आपको बहुत सा कंफर्ट भी आ जाएगा IGT पे. ठीक है, तो रीड ऑल द क्वेश्चन, ऑल द कॉन्सेप्ट्स वंस एटलीस्ट. देन सेकंड पॉइंट, रीड ऑल द क्वेश्चंस वंस. अभी बहुत से लोग इस पे कॉन्ट्रोवर्सी है कि क्वेश्चंस करना जरूरी है कि नहीं है. मैं बोलूंगा एक बार करने में क्या जाता है, फाइनल एक ही बार देना है तो एक ही बार क्वेश्चंस कर लो, काम हो जाएगा. क्वेश्चंस का आपको बार बार प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के 1.5 दिन पहले 1.5 डेज में आप क्वेश्चंस को हाथ नहीं लगा पाओगे, कॉन्सेप्ट्स ही आपको काम आएंगे. तो अभी टाइम है एग्जाम को, तो सारे एक बार क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो. फॉर एग्जांपल लेट्स टेक रजिस्ट्रेशन चैप्टर. रजिस्ट्रेशन एक बार कॉन्सेप्ट से पढ़ लिया, क्वेश्चन बैंक जो भी फैकल्टी आपको पसंद है उनका क्वेश्चन बैंक ले लिया, या फिर ICI मॉड्यूल का क्वेश्चंस ले लिया, एक बार क्वेश्चंस देख लिए कि अरे ये क्वेश्चन है, अच्छा हाँ ये मैंने अभी पढ़ा था 10 मिनट पहले, गॉट इट, टिक. ये क्वेश्चन है, अच्छा हाँ मुझे याद है, टिक. एक बार आपको आइडिया आ जाएगा कि क्वेश्चंस किस बार टाइप के आते, क्योंकि कॉन्सेप्ट रीडिंग इज अ डिफरेंट थिंग टोटली, और क्वेश्चंस कैसे फॉर्म करते हैं वो. कई बार तो आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन रजिस्ट्रेशन चैप्टर में कहीं दिया ही नहीं है, क्या कहाँ से पूछा है. तो आप एक बार वापस रजिस्ट्रेशन चैप्टर खोलोगे ना तो आपको मिलेगा वो कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट है उधर ही, लेकिन हम रीड करने के टाइम पे पता नहीं अलग ही फॉर्मेट में रीड करते हैं, क्वेश्चंस एग्जामिनर अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता है. तो आपको ऐसे बहुत बार होगा कि क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन इसका तो कोई दिया ही नहीं है, लेकिन आप अगर मॉड्यूल खोलोगे या फिर आपका फैकल्टी का कॉन्सेप्ट बुक खोलोगे तो वहां दिया होता है वो. तो इसलिए एक बार कॉन्सेप्ट और फिर क्वेश्चंस, टैली, चैप्टर डन, मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर. सो कॉन्सेप्ट रीडिंग इज अ मस्ट, देन क्वेश्चन रीडिंग इज अ मस्ट एटलीस्ट वंस, क्वेश्चन एटलीस्ट वंस, कॉन्सेप्ट आपको बार बार करना पड़ेगा. फिर ये कुछ क्या बोलते हैं, कुछ चैप्टर्स है जिसका कॉन्सेप्ट आपने रीड नहीं किया तो भी चलेगा, ओनली क्वेश्चंस एंड समरी. समरी नोट्स मे बी ICI मॉड्यूल के पीछे दिए होते हैं, या फिर फैकल्टीज आजकल बहुत फैकल्टीज समरी नोट्स बना रहे, मतलब कंसाइज कर दे पूरा चैप्टर. तो दैट इज प्रेफरेबल फॉर द फॉलोइंग चैप्टर्स विच आई एम टेलिंग यू. इसका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा तो भी चलेगा. द चैप्टर्स आर, एक तो है जॉब वर्क, फिर अकाउंट्स रिकॉर्ड एंड ईवे बिल, फिर असेसमेंट एंड ऑडिट प्रोसीजर्स, फिर एडवांस रूलिंग, फिर डिमांड एंड रिकवरी,
inspection, search and seizure and arrest, appeals and revision, एंड मिसलेनियस प्रोविजन. मिसलेनियस प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, भले वो मिसलेनियस लिखा है फिर भी वो मिसलेनियस नहीं है, आपको 5 मार्क तो देगा एग्जाम में. तो ये जो चैप्टर्स है, जॉब वर्क, अकाउंट रिकॉर्ड्स, ईवे बिल, असेसमेंट एंड ऑडिट, एडवांस रूलिंग, डिमांड एंड रिकवरी, इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, अरेस्ट, अपील्स एंड रिविजन एंड मिसलेनियस प्रोविजन, ये सारे चैप्टर्स का आप खाली क्वेश्चंस कर लो और समरी देख लो, क्योंकि अगर वो पूरा प्रोसीजर आप पढ़ने जाओगे ना तो इट वॉन्ट गिव एनी आउटपुट. आपके 3 से 4 घंटे चले जाएंगे एक चैप्टर के पीछे और उसके बाद आपको कुछ याद रहेगा नहीं, जब तक वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में आता नहीं है या फिर एक कंसाइज फॉर्म में, चार्ट के फॉर्म में आता नहीं है, तब तक आपको समझने वाला है नहीं. तो ये सारे चैप्टर्स है, उसके सिर्फ क्वेश्चंस एंड समरी नोट्स, डोंट गो फॉर फुल कॉन्सेप्ट्स, इट विल वेस्ट योर टाइम, ट्रस्ट मी. ठीक है, नाउ ये तो मैंने बता दिया कि किस कॉन्सेप्ट चैप्टर्स है जिसको आपको सिर्फ क्वेश्चंस पे काम करना है, और ये आगे के जो चैप्टर्स मैं बता रहा हूँ उसका सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस नहीं होगा तो ये चैप्टर में बहुत गड़बड़ हो सकती है. तो एक है कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, फिर रिवर्स चार्ज, ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या होता है उसका एक छोटा सा चैप्टर है, कंपोजिशन लेवी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्स, ITC, अगेन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जम्पशन. कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज, इको, कंपोजिशन लेवी, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, पेमेंट ऑफ टैक्स, ITC, रजिस्ट्रेशन एंड एग्जम्पशन. तो ये जो चैप्टर है ना, ये आपको आज से लेके, ये वीडियो देख रहे हो ना तब से लेके एग्जाम तक फ्रीक्वेंट रिविजन में रखना है. ऐसा ऊपर के टॉपिक जैसा नहीं है वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और हेवी टॉपिक्स है, इसमें से बहुत सिलेबस, बहुत क्वेश्चन पेपर कवर होगा और ये आपको अच्छे से मार्क्स देगा. लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मैंने पढ़ लिया एक बार और हो गया, इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट के अंदर घुस के डिटेल में एक बार अच्छे से समझ के पढ़ना पड़ेगा, वापस सेकंड बार पढ़ोगे तो अच्छे से वापस पढ़ना पड़ेगा, क्वेश्चन के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, और GST का पूरा एक ओवरव्यू आता है ये सारे चैप्टर्स. तो दिस चैप्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट पुट दिस ऑन ऑप्शन, भले ही ये ए कैटेगरी में हो, बी कैटेगरी में हो, किसी ने ये सी कैटेगरी में डाला हो, फिर भी ये चैप्टर्स मेरे हिसाब से ए कैटेगरी में ही है और ये आपको करना ही चाहिए. फिर एक मैं आपका पर्सनल ओपन, आप सोच रहे होंगे कि रिफंड नहीं बताया तुमने, रिफंड का कुछ जिक्र नहीं किया, तो रिफंड पर्सनली मैंने रिफंड ऑप्शन को छोड़ा था, क्योंकि मुझे वो बहुत कंफ्यूज होता था, बहुत बड़ा चैप्टर है और उसमें से 5-6 मार्क का आता है ऐसा बोलते हैं हमेशा, तो इवन इफ आई लेफ्ट इट फॉर ऑप्शन आई गॉट 67 60 प्लस, तो मैंने रिफंड नहीं किया था. लेकिन आप बोलेंगे कि ठीक है यार हम कर लेंगे, हमें आता है, तो ठीक है आप कर लो, इट विल इंक्रीज योर स्कोर, इट विल नॉट हर्ट यू. सो अगर आपको रिफंड पे अच्छा होल्ड है, ग्रिप है, तो डू रिफंड. अगर आपको रिफंड थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, जैसे मुझे कंफ्यूजिंग नहीं बोल सकते, लेकिन एक बार कैसा होता है, बहुत लोड होता है ना, तो हम सोचते हैं कि थोड़ा तो हमें करना पड़ता है कि ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा. तो फॉर IDT इन माई केस इट वॉज रिफंड, कि रिफंड मैंने नहीं किया, चाहे लोग बोलते थे कि अरे आएगा 5 मार्क के लिए, 6 मार्क के लिए आएगा, लेकिन आई थॉट बाकी का पेपर भी है 94 मार्क्स का, उस पर फोकस किया जाए, और आई स्कोर 67 मार्क्स. सो पर्सनली रिफंड मैंने ऑप्शन को छोड़ा था, लेकिन यू कैन डू इट, आपका एक दिन घुसेगा उसमें, पूरा एक दिन जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, एक दिन में इफ यू आर गोइंग टू हैव अ गुड ग्रिप ऑन रिफंड देन गो फॉर इट. एंड पूरा फिर रिफंड एक बार शुरू किया तो पूरा क्वेश्चन एंड सारा पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर खत्म करके रिफंड चैप्टर क्लोज ही कर दो. लेकिन उसका भी ऐसा सीन है कि उसको आपको फ्रीक्वेंट रिविजन में रखना पड़ेगा. रिफंड में भी बहुत से फॉर्मूला है, फॉर्मूले से बहुत फिगर्स निकालने होते हैं, फिर ये फिगर उधर यूज करो, कि ये आपको फ्रीक्वेंट रिविजन में रख के आपको याद आएगा. फिर ये हो गया IDT का. फिर कस्टम्स पे आता हूँ मैं. अगेन कस्टम्स 30 मार्क का है, 25 मार्क्स का बोल सकते हैं, FTP 5 मार्क्स के लिए आता है. लेकिन कस्टम्स पे अगर आप फोकस करोगे ना तो ट्रस्ट मी यू विल गो अबाउ 60 मार्क्स इन IDT, ट्रस्ट मी. मुझे 67 आया था और इसकी वजह से मैं आपको इस पोजीशन में हूँ कि मैं आपको बता पा रहा हूँ कि क्या करो क्या मत करो. लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपको 60 अबाउ जाना है, एग्जम्पशन चाहिए IDT में, तो कस्टम्स पे प्लीज इग्नोर मत करो. कस्टम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. कस्टम्स में भी वैल्यूएशन, बैगेज, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये 3 चैप्टर कन्फर्म आपको एग्जाम में मिलेंगे, कन्फर्म. वैल्यूएशन तो है ही, आपको पता है 6 मार्क के लिए आता है, कभी कभी 8 मार्क के लिए भी आता है वैल्यूएशन. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, लेकिन 1-1.5 दिन आपको इस पे इन्वेस्ट करोगे तो 5-6 मार्क्स विल बी इन योर पॉकेट, कन्फर्म, श्योर शॉट. तो वैल्यूएशन, बैगेज, ड्यूटी ड्रॉबैक, ये चैप्टर्स प्लीज इग्नोर मत करो. ये छोड़ के भी बहुत सारे चैप्टर्स है कस्टम में, छोटे छोटे चैप्टर्स है, वो आपको ट्रस्ट मी वोंट टेक मोर देन 3-4 डेज फुल स्ट्रेच ऑफ IDT. 3-4 डेज ऑफ आर इनफ फॉर कस्टम्स, और आपको एक कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ 30 मार्क का मेरा हो गया काम. तो बाकी के चैप्टर्स में, सब्जेक्ट्स में कैसा रहता है, पूरा SFM, पूरा 100 मार्क का,
लेकिन इधर कैसा 30 मार्क आप पीस मिल कर सकते हो, पीस मिल 30 मार्क्स इन माई पॉकेट, नाउ आई विल फोकस ऑन जीएसटी। तो प्लीज कस्टम्स में ये तीन चैप्टर पे फोकस करो, और कस्टम्स में कुछ ऑप्शन को छोड़ो ही मत, मुझे लगता है इतना सा तो है कस्टम्स, पूरा खत्म कर लो, एक ग्रिप आएगा, फिर कोई रैंडम क्वेश्चन पेपर उठाओ लास्ट प्रीवियस ईयर का, उसमें से देखो कि कस्टम्स का आपको सॉल्व करने आर बन रहा है कि नहीं, अगर नहीं बन रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है। मतलब फॉर एग्जांपल आपने दो दिन दिया पूरा कस्टम्स को, तीसरे दिन आपने कोई क्वेश्चन उठा के देखा तो यू शुड नो द आंसर, एटलीस्ट यू शुड नो वेयर द आंसर इज। मतलब आपको इतना पता होना चाहिए कि आपको एक क्वेश्चन का आंसर ठीक है चलो रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे कौन सा पेज खोलने के बाद आंसर मिलेगा, इतना तो आप पोजिशन में आ जाओ दो तीन दिन में कस्टम्स के लिए। तो ये ट्रिक अगर आप यूज करोगे तो आपको 60 से के ऊपर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और फिर कस्टम्स में छोटी छोटी चीजें है, कई फॉर्मूला है, कई डेज है, पेनल्टी रिफंड के लिए 60 डेज है, कई ड्यूटी ड्रॉबैक में 30 डेज है, तो ये कंफ्यूजन ना हो इसके लिए एक छोटी सी बुक बनाओ आईडीटी की, मैंने भी बनाई थी, तो उसमें ऐसे छोटे छोटे डाउट्स होते हैं ना कि अरे 60 डेज यहां था कि वहां था कैसा था, लिख लो एग्जाम के 1.5 डेज पहले, बहुत यूज आएगा कि हाँ यहाँ पे 30 डेज था यहाँ पे 60 डेज था, सॉर्टेड, नो कंफ्यूजन, ठीक है। तो ये हो गया कस्टम्स का। फिर आते हैं एफटीपी पे, एफटीपी क्या आता है 5-6 मार्क्स, मैंने एफटीपी नहीं किया था, ऑप्शन को छोड़ा था, अगेन मैंने क्या ऑप्शन को छोड़ा था रिफंड एंड एफटीपी, लेकिन ट्रस्ट में मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, एफटीपी का मैंने एग्जाम के दिन सुबह 2 घंटे बस ऊपर ऊपर से देख लिया था, वो देखने के बावजूद एफटीपी का एग्जाम में कुछ तो आया था आई थिंक एमसीक्यू, वो मैंने कर पाया था। तो ऐसा नहीं कि आप एग्जाम के पहले एग्जाम के दिन कुछ तो देख लो और फिर हो जाएगा काम, मैंने वो पढ़ा था सुबह 2 घंटा 10 से 12 आई थिंक, फिर भी एग्जाम में वो नहीं रिकलेक्ट हुआ मुझे क्योंकि मैंने पहले कभी किया ही नहीं था। तो अगर आपके पास अच्छे से टाइम है एफटीपी के लिए तो इन्वेस्ट, बट डोंट पुट टू मच प्रेशर ऑन योर ब्रेन फॉर एफटीपी, एटलीस्ट एफटीपी छोड़ के भी बहुत सिलेबस है आईडीटी का, तो उस पर फोकस करो, एफटीपी कीप इट फॉर लास्ट। अगर आप यू आर इन अ वेरी गुड पोजिशन कि आपका सब हो चुका है और एफटीपी छोड़ने में कोई सेंस ही नहीं बनता है तो गो फॉर इट, एफटीपी इज नॉट टू बिग, इट्स नॉट टू स्मॉल ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स, 5 मार्क्स के हिसाब से वो थोड़ा ज्यादा ही है, लेकिन आप थोड़ा इन्वेस्ट कर लो तो आपको फास्ट 5 मार्क्स मिल जाएंगे। मैंने पर्सनली एफटीपी नहीं किया था, स्टिल आई स्कोर 67 बिकॉज जो बाकी का चीजें मैंने बताई उस पर फोकस किया था, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, अमेंडमेंट्स। अगेन अमेंडमेंट्स का कैसा है, लोग बहुत टेंशन लेते कि अरे अमेंडमेंट्स करने अमेंडमेंट्स करने, डोंट वरी एट ऑल, पहले एक बार सब्जेक्ट खत्म कर लो। अगर आपको पता ही नहीं है कि क्या अमेंड हुआ है, मतलब पहले ए था, ए का बी हुआ है, तो आप डायरेक्टली बी करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि अरे पहले ए था, तो इसके लिए पहले नॉन अमेंडेड पढ़ाई कर लो, इतने भी अमेंडमेंट्स नहीं है, ट्रस्ट मी इतने भी अमेंडमेंट्स नहीं होते कि पूरा ही आपको चेंज करना पड़े। और अगर आप पहले पढ़ाई करोगे और फिर अमेंडमेंट्स करोगे ना, तो अमेंडमेंट्स आपको अच्छे से याद रहेंगे कि अरे मैंने पहले 10 डेज याद रखा था, अभी 15 हो गया मुझे याद है। तो अमेंडमेंट्स ऐसे आपको स्पेसिफिकली याद रहेंगे अगर इफ यू स्टडी द प्रीवियस पार्ट एंड देन यू गो ऑन टू द अमेंडमेंट्स, लाइक पहले 10 डेज था, अभी इट हैज बीन अमेंडेड टू 15 डेज फॉर एग्जाम्पल, तो यू वॉन्ट एवर फॉरगेट दिस कि अभी 10 से 15 हो गया एग्जाम में आ सकता है। तो मैं बोलूंगा पहले सिलेबस खत्म करो आईडीटी का, फिर एक दिन जाएगा आपके अमेंडमेंट्स में, बस आई एम सेइंग एक दिन पूरा अमेंडमेंट्स देख लो कि यहाँ 10 था 15 हो गया ये था वो था, चाहे तो बुक में ऐसा क्रॉस करके वहां पे 10 का 15 कर देने का, मतलब एक बुक्स के पेजेस पलटते टाइम पे भी आपको अमेंडमेंट्स ऐसे हाईलाइट हो जाते। तो अमेंडमेंट्स का इतना ही, अमेंडमेंट्स का प्लीज ज्यादा टेंशन मत लो, मुझे बहुत टेंशन आया था पहले टाइम जब मैं दिसंबर में फेल हुआ था कि अमेंडमेंट्स, लेकिन इन द एंड इतना कुछ होता नहीं है, मेन सिलेबस भी है ना, सारे क्वेश्चन पेपर अमेंडमेंट्स से तो नहीं आने वाला है, तो अमेंडमेंट्स पे भी फोकस करो, लेकिन आफ्टर यू आर डन विद द स्टडीज, आई एम नॉट सेइंग 10 डेज बिफोर द एग्जाम, एटलीस्ट 1 मंथ बिफोर द एग्जाम गो थ्रू द अमेंडमेंट्स एंड गो थ्रू द कॉन्सेप्ट बुक्स, जस्ट कंपेयर किया हाँ ये अमेंड हुआ है ये अमेंड हुआ है, हाँ मुझे याद था अभी ये भूल जाता हूँ ये नया याद रखता हूँ, दैट विल हेल्प यू। नाउ वन मोर थिंग, एमसीक्यूज। तो IDT के MCQs का ऐसे है तो MCQ मॉडल निकालता है, मैंने पर्सनली वो नहीं किया था, उसमें बहुत टाइम चला जाएगा, बहुत डिफिकल्ट लेवल के MCQs है, अगर आपको कोई गाइडेंस नहीं है वीडियोस का और सॉल्यूशंस का तो आपका बहुत ज्यादा टाइम जाएगा MCQs करने में, सो इट्स बेटर यू ट्रस्ट ऑन फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स विल हेल्प यू गेन मार्क्स एंड हेल्प सॉल्व द MCQs, बट अगर MCQ करोगे और सेम कॉपी पेस्ट MCQ एग्जाम में नहीं आया तो इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, आई होप यू एग्री ऑन दिस। अगर MCQ आप कर रहे हो एक पैटर्न, अगर वो MCQ सेम एग्जाम में आते तो ही फायदा है, अगर कोई और ही MCQ आता है कोई और कॉन्सेप्ट से तो कॉन्सेप्ट ही आपको हेल्प करेगा एंड में, बराबर है ना, तो कॉन्सेप्ट पे कॉन्सेप्ट से फोकस मत हिलाओ प्लीज। तो IDT बस इतना ही है, एंड ट्रस्ट मी IDT में एग्जम्पशन लाना इजी है एज कम्पेयर टू DT एंड एनी थियरी सब्जेक्ट, IDT इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट एज अकॉर्डिंग टू मी, पीपल कैन डिफर इन देयर ओपिनियंस,
But IDT is a scoring subject. If you follow a particular pattern which I told you, IDT वैसे देखा जाए तो बहुत vast है. तो अगर आप directly खुद जाओगे subject में कि मतलब जैसे randomly पढ़ाई start करोगे, आज मैं ये करता हूँ आज मैं वो करता हूँ, तो you will end up with nothing. If you go in a structured manner कि पहले मैं customs खत्म करूँगा, मैं GST का book खोल के देखूँगा भी नहीं, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितना भी difficult हो, first I will complete customs. I will put 30 marks in my pocket, then I will move to the bigger portion, 70 marks का. फिर 70 marks का GST जब कर रहे हो, तो don't think about customs कि वो हो चुका है आपका, क्योंकि एक बार चाहे तो देख लो कि हाँ याद है ठीक है next. लेकिन ऐसे piecemeal में अगर IDT पे focus करोगे ना, तो sure shot आपको exemption आने वाला है. And one more thing जो मैंने follow की थी कि GST में कैसे होता है, इतना vastness होने के कारण we tend to forget things, मतलब first in first out हो जाता है. तो क्या करना है आपको, डिनर कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, आज आपने अकाउंट्स किया या फिर SFM किया, लॉ किया, ऑडिट किया, जो भी किया, इन द इवनिंग बहुत बोर हो गया, यूट्यूब खोलो, कोई भी, बहुत से फैकल्टीज रिवीजन वीडियो डालते हैं IDT के, तो रिवीजन वीडियो देखने का शुरू करने का, कोई भी टॉपिक का रजिस्ट्रेशन खोलो, 40 मिनट्स 1.5 पे देख के यू विल रिवाइज द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन, आई ट्रस्ट मी, 30-35 मिनट्स में आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक 5-6 मार्क्स का रिवाइज हो जाएगा. तो IDT के लिए ये अच्छा फायदा है जो बाकी के सब्जेक्ट्स में नहीं है, कि आप रिवीजन वीडियो देख के भी आपका कॉन्सेप्ट ब्रशअप हो सकता है, प्रोवाइडेड यू हैव डन द फर्स्ट पॉइंट विच आई टोल्ड यू, कॉन्सेप्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो IDT का ये एक फायदा है रिवीजन वीडियोस देखने का, और टच में रहो सब्जेक्ट के. बाकी के सब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, आपको एक बार इंडेक्स आपको पता चल गया क्या है मोर और लेस FR में, तो यू कैन सॉल्व इट. बट IDT में इफ यू फॉरगेट द कॉन्सेप्ट और इफ यू फॉरगेट द like main gist of the subject, then आपको कुछ use नहीं होगा जो आपने पहले किया था. तो टच में रहो, आज आपने कस्टम GST किया है, ठीक है, दो तीन दिन आपका कुछ अलग प्लान है, फर्स्ट ग्रुप पे फोकस करना है, आफ्टर फोर्थ डे फिफ्थ डे जस्ट ओपन द बुक एंड गो थ्रू वंस, बिकॉज 1.5 डे में आपको वो कॉन्सेप्ट बुक यूज कर हेल्प करने वाला है ना, आपको कोई MCQ बुकलेट हेल्प करेगा ना, आपको कोई क्वेश्चन बैंक हेल्प करेगा ना, कुछ और हेल्प करेगा. द कॉन्सेप्ट बुक is only going to help you. That concept book might be any book of your choice, any faculty, ICA material और आपके खुद के notes. जो भी use कर रहे हैं, लेकिन concept book ही main है. तो keep in touch with the concept book. If you do this, trust me, you will go above 60 marks. And avoid silly mistakes in exam. बहुत जगह पे refund में 30 days है, कहाँ पे 60 days है. तो एक अच्छे से, चाहे तो एक छोटी सी notebook बनाओ, बहुत बड़ी बुक लेते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साइकोलॉजी हाउ इट वर्क्स. अगर आप बहुत बड़ी बुक लेते हो, ऐसे ये साइज की ये बुक लेते हो और बोलते हो कि हाँ इसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखूंगा, तो ये बुक बहुत बड़ी है, तो देख के भी ऐसा लगता है कि यार क्या कितना, इतने छोटी सी बुक लो, उसमें स्क्रिबल करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ड्यू डेट्स या फिर डेज, पेनल्टीज, परसेंटेजेस, वो बैगेज में जो है 40,000 गोल्ड के लिए, फीमेल के लिए कितना है, छोटी छोटी चीजें लिख के रखो. तो उससे क्या होगा, आपको छोटी बुक होगी ना, तो आपको मेंटली भी कंफर्टेबल फील होगा कि यार हाँ इतना ही पढ़ना है मुझे, हाफ एन आवर में इतना ही पढ़ना है, और ये मेरे सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, इंपॉर्टेंट फिगर्स है जो मैंने लिख के रखे हैं एग्जाम के पहले, इतना मैं कर लिया, हो गया मेरा काम. तो स्मॉल स्मॉल थिंग्स काउंट इन दिस पेपर, इन CA फाइनल, इवन यू नो स्मॉल स्मॉल थिंग्स मेक अ डिफरेंस, सो जस्ट क्रिएट दैट डिफरेंस, स्टार्ट स्टडिंग पॉजिटिवली. IDT में एग्जामिनेशन लाना बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी यू कैन डू इट. अगर ये सारी चीजें फॉलो करोगे तो हो जाएगा आपका. ये छोड़ के भी अगर मेरा कुछ मिस हो रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, आई विल ऑल्सो टॉक अबाउट दैट. बट मोर और लेस आई होप यू गॉट अ आइडिया, एंड आई एम समवन हु आई हैव स्कोर्ड 67 मार्क्स, सो यू कैन ट्रस्ट मी. मेरा पहला अटेम्प्ट था जिसमें मैं फेल हुआ था, उसमें आई थिंक आई गॉट समवेयर अराउंड 48-49, सो मेरा इतना स्कोर इंक्रीज हुआ है. मैंने कुछ अलग नहीं किया, ट्रस्ट मी, मैंने सेम पढ़ाई की, लेकिन फिर भी एक अप्रोच हम चेंज करते, थोड़ा सा माइंड सेट चेंज करते, वो ऑल्सो दैट ऑल्सो काउंट्स. So just trust on whatever I told you, and trust me, you can go about 60. And if you have any doubts, please write it in the comment section. I'm there to solve, and I will be more than willing to help you all. So all the best, and our target is 60 plus, and we will achieve it. Thanks a lot. Keep studying. Bye bye.